हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर हम जो है चैप्टर जो है कंटिन्यूटी नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है फिर हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, जैसे राइट माइनस थीटा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा। एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन है, ये 90 से जब थोड़ा पहले 90 से कम थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा कम जो है पहले में जाएंगे। पहले में किसके लिए आए हो? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए आए हो। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कोस 90 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह के ये फॉर्मूले हैं, याद आ गए होंगे कुछ। इसी तरह अगर हम ये कहना चाहें साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे बोलता है माइनस कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कहेंगे बोला जाएगा। देखो साइन 90 प्लस थीटा है माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा नहीं, क्योंकि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट का घटता है किसका घटता है साइन पे क्या घटता है। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा प्लस के कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। और कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन टू, क्योंकि ये कोस का थोड़ा ही घर है, ये घर है साइन और कोटेंट। साइन और कोसेक का कोटेंट, साइन और कोसेक। ठीक है, इसी तरह से साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इसे ये 0 90 180 हो जाएगा, ये 270। साइन 180 माइनस थीटा कहीं पर हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस कोस 180 माइनस थीटा और कोस साइन 180 माइनस थीटा कहीं पर हो जाएगा साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, क्योंकि 180 माइनस जब माइनस करेंगे फिर सेकंड क्वाड्रेंट है साइन, तो इसलिए साइन प्लस का कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। सिमिलरली ये देखो कॉस साइन का कोई भी एंगल माइनस में आएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा एंगल क्या आ जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा ये से सारे निकाल लेंगे, ये हो गए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर टेन 180 माइनस थीटा निकालना होता तो क्या आ जाएगा यहाँ से टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, इसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा कोट थीटा। क्या आ जाएगा टेन 90 प्लस थीटा कोट थीटा। क्या क्या जाएगा 90 प्लस थीटा इनकी माइनस का, तो माइनस का कोट थीटा। इस तरह जो है हम और भी जो है फंक्शन हम निकाल सकते हैं। यह एक एग्जांपल है, वही बात है भैया। टेन वन डिग्री टेन टू डिग्री टेन थ्री डिग्री टेन फोर डिग्री सब कुछ टेन 89। ये टेन वन डिग्री टेन टू डिग्री टेन थ्री डिग्री टेन 90 अब टू टेन 89। फाइंड फाइंड द वैल्यू, इसकी क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है फाइंड वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू किससे निकाल सकता हूं मैं। देखो भाई अब क्या करूं मैं इसको और इसको, देखो ये इन दोनों का सम क्या है
90 है, ठीक। इसी तरह से tan 2 है तो यहां क्या आएगा, ये tan 88, इन दोनों का सम 90 है। तो इन दोनों को जो है, जिनका दो का सम 90 है, उन्हें दोनों को क्या है कंबाइन कर लेता हूँ, इकट्ठा लिख लेता हूँ, क्या जाएगा ये tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 89, tan 2 डिग्री, tan 88, tan 3 डिग्री, tan 87 एंड तो इस तरह की आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई भैया? ये tan 1 डिग्री तो युगपत में है, ये युगपत में tan 1 डिग्री, ये बोला tan 90 माइनस 1, tan 90 माइनस 1। सिमिलरली इन दिस tan 2 डिग्री एडिटिव, tan 90 माइनस 2, ये क्या है tan 3 डिग्री, tan 90 माइनस 3 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 90 माइनस 1 cot 1, tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, ये क्या है tan 3 डिग्री cot 3 डिग्री एंड सो ऑन। ये आ गया tan 1 डिग्री एंड मल्टीप्लाई cot 1 डिग्री, tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई cot 1 डिग्री, यानी tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई अपॉन 1 अपॉन tan 1 डिग्री, इस पे ये जा रहा है, ये है ना tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई cot 1 डिग्री, इससे जा रहा है क्या आ गया 1, क्या आ गया ये क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये क्या आ गया, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा एंड सो ऑन, 1 1 इज टू 1 आंसर इज 1, इसका आंसर क्या आ जाए 1 आ गया, क्या आ गया ये इसका आंसर, देखो क्या है ये सवाल, जैसे tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3, tan 4 अप टू tan 89 है, इस तरह का दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इन्हें दोनों जो सम का जो है, जिनका दो सम का 90 है, इकट्ठे किए tan 1 को, tan 89 को, tan 2 को, tan 88 को, इस तरह कर लिया, फिर इसको मिल गया tan 89 को tan 90 माइनस 1, इसमें इसकी 88 को tan 90 माइनस 2, इस तरह कर लिया, इसे कर लिया tan 1 tan 90 माइनस 1 cot 1, ये cot 2, ये tan 3, इससे क्या आ गया tan 1 इंटू अपॉन tan 1, tan 1 से tan 1, tan 2 से ये कट जाएगा, ये यहाँ कहते हो tan और cot दोनों एक दूसरे इनवर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई किया आगे इसकी 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, इट इज आंसर इज 1, आगे बढ़ते हैं। और देखो एक सवाल हो रहा है, क्या है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, देन फाइंड दैट कोस की पावर 12 एक्स, कोस की पावर
12 प्लस 3 कॉस की पावर 10 एक्स प्लस 3 कॉस की पावर 8 एक्स, 3 कॉस की पावर 8 एक्स प्लस कॉस की पावर 6 एक्स माइनस 2 ये है। क्वेश्चन है ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस की पावर 12 एक्स, इसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की पावर 12 एक्स प्लस 3 कोस 10 एक्स प्लस इसकी वैल्यू निकाल। देखो अब गिवन है, क्या गिवन है, साइन एक्स प्लस गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ क्या गया साइन एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर लिया है साइन एक्स बराबर क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बराबर क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स, यानी जितनी भी कोस स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, यहाँ साइन साइन का साइन रख दूंगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी हाफ, क्या आएगी हाफ, दैट मीन्स कोस की पावर स्क्वायर एक्स का मतलब क्या आएगा साइन की पावर 6x प्लस 3 कोस की पावर 5x प्लस 3 साइन की पावर 5x प्लस 3 साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 3x माइनस 2, इसको क्या कर लिया, इसको कर लिया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, ये पावर 3 है ना, इस पावर ऑफ 3 क्या कर लिया साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, इसको क्या कर लिया प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये आ गया, इसको क्या कर लिया है अच्छा थ्री ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर है, थ्री बी स्क्वायर इसे कर लिया थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसे क्या कर लिया इसे प्लस साइन एक्स की पावर थ्री माइनस टू, देखो ये क्या कर लिया मैंने, ये फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ मैं, ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर थ्री का क्या फॉर्मूला होता है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस जी, या बी कैन थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस तीन बी स्क्वायर ए, तो क्या आ गया ये साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर थ्री माइनस टू, यानी क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी तीन बी स्क्वायर ए, ठीक है आ गया ए प्लस बी की पावर थ्री, ए प्लस बी की पावर थ्री, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, इट मीन्स वी हैव क्या गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर थ्री माइनस टू, वी हैव साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन, कितनी आ गई वन, तो इसकी क्या आ गई वन की पावर थ्री माइनस टू, वन की पावर थ्री माइनस टू वन, वन माइनस टू इक्वल टू वन, दैट इज सो इसका आंसर क्या जाएगा माइनस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा।
देखो भाई क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन दे रखी, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ये गिवन है, इधर आगे क्या आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके साइन एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि जहां भी कोस स्क्वायर एक्स होगा साइन एक्स की, साइन एक्स लिख के इसकी हाफ पावर कर दो, ये लिख दिया। अब इसको फॉर्म जैसे बनाने के लिए मुझे बनाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बनाने के लिए साइन स्क्वायर का क्यूब, इस फॉर्मूले ये फॉर्मूले बनाने के लिए ये इस फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया ए प्लस बी पावर थ्री, ए ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी की वैल्यू क्या है इसमें साइन एक्स, तो ए की एक नहीं ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए, ये हो गया ए प्लस बी की पावर थ्री, ए प्लस बी की पावर थ्री यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थ्री, साइन इसकी वन वन की पावर थ्री, वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, ठीक है भाई आगे बढ़े। क्या है देखो ये, इफ ए वी आर पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट इफ ए एंड वी आर पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट ए ए ग्रेटर देन बी, if a and b are the positive quantity of such dash a is greater than b, find the minimum value of x sec theta minus find values, find minimum value of a sec theta minus k बी टेन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए sec theta माइनस जी टेन theta, देखो भाई किसकी वैल्यू मिलने वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है मिनिमम ए sec theta माइनस बी tan theta, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या करता हूं मैं से मान लिया इसकी वैल्यू क्या आ गई है x, लेट x इक्वल टू मिनिमम x इक्वल टू ए sec theta माइनस के बी tan theta, इसे क्या बोलूं x को इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा ये बी टेन थीटा एक्स प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा, बी टेन थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा, अब क्या करता हूं मैं दोनों तरफ से इसका स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं इसका दोनों तरफ से इसका स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये क्या एक्स का स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू एक्स बी टेन थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी एक्स टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब क्या कर लिया इसमें
इसको इधर ले आया, क्या जाएगा ये टैन स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन ले लिया, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसमें से वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी एक्स टेन थीटा, इसको इधर लेंगे ना माइनस टू बी एक्स टेन थीटा माइनस टू बी एक्स टेन थीटा, और फिर क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, क्या अगर देखो इसको इधर लिया ये ए स्क्वायर टेन थीटा जाएगा, ए स्क्वायर टेन थीटा ये रहा और बी स्क्वायर टेन थीटा ये रहा, तो टेन स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन ले लिया, क्या आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस इधर आ गया टू बी एक्स टेन थीटा, फिर इधर आ गया क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसके रूट रियल है फॉर द रियल फॉर द फॉर टेन थीटा, फॉर टेन थीटा की इसके रूट क्या है रियल है फॉर टेन थीटा, रियल रूट फॉर रियल रूट, रियल रूट है तो क्या आ जाएगा जो होता है फॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी बी मीन टू बी एक्स, बी मीन टू बी एक्स, टू बी एक्स का स्क्वायर टू बी एक्स का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, सी सी की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ये क्या जाएगा खोल लो इसको क्या जाएगा ये फोर बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या जाएगा ये ए का पावर फोर, ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो इस फोर बी एक्स स्क्वायर से ये क्या जाएगा फोर बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर फोर ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर बी का स्क्वायर स्क्वायर की ग्रेटर देन जीरो, इससे ये जाएगा इससे ये जाएगा, ठीक है अब इससे क्या जाएगा ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आगे क्या जाएगा ये फोर ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ये दोनों से क्या कर लूंगा ए स्क्वायर दोनों से डिवाइड कर दूंगा, दोनों से क्या कर दूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा, ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
वो भी यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। फोर से इसमें हो जाएगा। और ये क्या है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है। इधर आगे क्या आ जाएगा, ये फोर इंटू फोर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस के फोर से फोर कट जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और एक्स इज ग्रेटर देन, ए दोनों से का स्क्वायर रूट ले लिया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, ये आ गई एक्स की वैल्यू। क्या आ गई एक्स की वैल्यू है, एक्स इज द वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये की एक्स की वैल्यू आएगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये क्या है, इफ ए ए एंड बी आर टू पॉजिटिव क्वांटिटी दैट ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए sec थीटा माइनस बी tan थीटा, की वैल्यू निकालनी है। मान ले इसकी वैल्यू एक्स है, दूसरी तरफ से मान ले बी बी tan थीटा को यहाँ लिया, या व्यक्ति दोनों तरफ में क्या कर लिया, स्क्वायरिंग ऑफ साइड, क्या करें, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर मैं सारे को इधर लिया, तो ये टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा नहीं, टेन स्क्वायर थीटा की इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फोर टेन थीटा अगर इसकी रूट रियल है तो क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, फोर ए सी पॉजिटिव क्वांटिटी यानी रियल है, तो इसकी क्या आ जाएगा, ए एस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, बी बी की बी की वैल्यू रख दी यहाँ से, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ टेंट से टेंट के बी यू आ जाएगी, बी ये रही है, ये बी है, ये क्या है, ये ए है, और ये जो है सी है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू रख दी सबको, कटिंग फटिंग कर दी, तो क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स इज ग्रेटर देन प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स इज द वैल्यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्वेश्चन है इफ कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इज इक्वल टू के इज लेस देन के फाइंड वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू निकाल, अगर ये इस तरह का फंक्शन है, इसमें जो है
ए की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको क्या करते हैं, लेट इसकी वैल्यू क्या है, एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा ये गिवन है। इसको क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इधर ले आएंगे क्या गया, एक्स माइनस कोस थीटा साइन थीटा एक्स माइनस साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, नहीं माइनस तो रह गया, कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन, दोनों तरफ को क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर रूट कर दिया, दोनों तरफ को क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, क्या आ गया, नहीं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बहुत सही, क्या आ गया, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर या इससे ये गया क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। फिर एक्स के आगे क्या हो जाता है, इसमें क्या आ गया, इसमें क्या कर देता हूं मैं,
टेन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तरफ का डिवाइड कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ, दोनों क्या कर देता हूँ दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा मैं, क्या जगह ये एक्स स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इस cos थीटा से, ये cos थीटा जा गया, क्या आएगा टू एक्स tan थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन sec स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस टू एक्स tan थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन, ये एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स टेन थीटा माइनस टू एक्स टेन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स टेन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या है ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्या ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, हो क्या ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, टेन थीटा के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब टेन थीटा के लिए वही है फोर रियल वैल्यू फोर फोर देखिए फोर फोर टेन थीटा रियल वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू कितनी आ गई एक्स का स्क्वायर फोर ए सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स पावर टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो, यहां से क्या आएगा फोर एक्स पावर फोर एक्स स्क्वायर, यहां से फोर एक्स पावर फोर क्या आएगा ये यस, क्या जाएगा इसके स्टेप्स को करते करते फोर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सारे को, क्या आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के जीरो, और ये क्या आ गया यहां से वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, इधर क्या आ गया वन यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स इज इक्वल टू it implies that mod x is equal to less than 1 plus sin square alpha का रूट है, यही आंसर है।
देखो क्या क्या क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था ये कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन फाइंड द इक्वेशन निकालने की नियम। क्या इससे निकालते हैं, लेट्स मान लिया इसकी जो गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू एक्स है, एक्स है तो क्या आएगा, पहले कॉस थीटा के अंदर गुणा कर लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर आ जाएगा। अब इधर कॉस थीटा साइन थीटा को इधर ले लेंगे राइट में, तो क्या आ गया एक्स माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों तरफ का क्या कर लूंगा मैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दूंगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर आ गया, क्या आ गया ए प्लस, ठीक नहीं है ये तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई है जीरो आ गया। फिर इन दोनों में से क्या करा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा को सारे से डिवाइड कर दिया हमने जो बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके आ गया ये आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा को फिर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लूंगा ये आ गया। फिर इसको टेन स्क्वायर थीटा की इक्वेशन बना ली है, टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा हो गया, क्योंकि इसके लिए रूट फोर टेन थीटा के लिए रूट रियल है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर होगा तो क्या होगा जीरो होगा। सी बी की वैल्यू क्या है इसमें, बी की वैल्यू है टू एक्स माइनस ये रख दिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर फोर ए, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, सी सी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा, ये रही तो ये क्या आ गया वन माइनस ये आ गया फोर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया वन माइनस एक्स क्या जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे इसको तो ये आ गया दोनों से प्लस स्क्वायर रूट ले लेंगे एक्स रूट वन प्लस साइन स्क्वायर एल्फा एंड द मिनिमम वैल्यू इन एक्स प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर एल्फा हो गया। एक सवाल हो रहा है जैसे एक आईआईटी में आया हुआ सवाल जेई में, एक द साइड ऑफ ए ट्राइंगल स्क्वायर्ड इन ए गिवन सर्कल, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल स्क्वायर्ड इन अ गिवन सर्कल, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंस्क्राइब्स इन ए गिवन सर्कल सबस्टैंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, सबस्टैंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, तीन एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा एट द सेंटर, फाइंड द एट द सेंटर द मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ डैश द मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ये कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू, कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू, कॉस बीटा प्लस पाई बाई टू,
एंड कॉस गामा प्लस पाई बाई टू कॉस गामा प्लस पाई बाई टू इनकी अर्थमेटिक इज इक्वल टू इन इनकी वैल्यू कहें के इक्वल होगी भाई। अब द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज कर्व्ड इन ए गिवन एक अंदर है किसी जो गिवन सर्कल का है सबस्टेंड एन एंगल सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं वो कौन कौन से एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा कौन कौन से एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इसके अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी इसकी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी हमें क्या बताया अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज वी नो दैट क्या वी हैव ए एम इज ग्रेटर देन जी एम मीन अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इज ज्योमेट्रिक मीन इज इट मीन अगर मैं कहूं कि ए एम की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है ए एम की मिनिमम वैल्यू कब निकल सकती है जब निकल सकती है अगर ए एम कहे कि कोलो जी एम के ए एम कहे कि कोलो जी एम के फॉर मिनिमम लिखेंगे फॉर मिनिमम अर्थमेटिक मीन वी हैव ए एम इक्वल टू जी एम अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जीएम के अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फॉर मिनिमम ए एम की वैल्यू कब निकल सकती है अगर ए एम की वैल्यू क्या हो जीएम के इक्वल हो अगर ये होगा तो इनका जो है अब ये अगर ए एम इक्वल टू जीएम है तो इनकी जो है तीनों क्वांटिटी भी जो है क्या होगी दियर फॉर दियर क्वांटिटी विल बी इक्वल दियर क्वांटिटी विल हैंस दियर फॉर कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू इक्वल टू कॉस बीटा प्लस पाई बाई टू कॉस गामा प्लस पाई बाई टू ये आ गया ये दोनों में क्या होंगे ये तीनों क्वांटिटी ए एम इक्वल टू जी एम है दीज थ्री क्वांटिटी आर इक्वल थ्री क्वांटिटी आर इक्वल है तो क्या जाएगा तो क्या ये तो कोस अल्फा कोस पाई थ्री मतलब कोस पाई बाई टू सीटा क्या क्या होता है साइन अल्फा क्या जाएगा ये साइन अल्फा फिर क्या जाएगा ये साइन बीटा उससे क्या आएगा साइन गामा ये माइनस कहेगा माइनस तो इनकी इट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बीटा हैंस यानी और क्या होता है तीनों फॉर्म है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी लगी 360 और इस अगर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 360 आ गई तो हैंस 3 अल्फा यानी अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 360 और 3 अल्फा इक्वल टू 360 अल्फा इक्वल टू 360 अपॉन 3 और अल्फा इक्वल टू 120 अल्फा की वैल्यू 120 आ गई यानी 2π/3 आ गई अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू आ गई ये आ गई 2π/3 इसको रेडियन में बदल दे अल्फा की वैल्यू 2π/3 अल्फा की भी वैल्यू 2π/3 आ गई बीटा की भी और थ्री अब इसे क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू से क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा अल्फा प्लस पाई बाई टू कॉस बीटा प्लस
पाई बाई टू प्लस कॉस गामा प्लस पाई बाई टू अपॉन थ्री। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 2π/3, यहाँ रख दूंगा फिर बीटा की यहाँ रख दूंगा, इससे आएगा कॉस 2π/3 प्लस पाई बाई टू प्लस कॉस 2π/3 प्लस पाई बाई टू प्लस कॉस 2π/3 प्लस पाई बाई टू अपॉन थ्री। ठीक है कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाए माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा यहाँ रखे माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा। अब सवाल है यहाँ तो मैंने रखा नहीं था, यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि दोनों जितनी हो जाए इक्वल में से यहाँ से माइनस कट जाएगा। ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस 2π/3 क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस साइन 2π/3 यहाँ से माइनस साइन 2π/3 यहाँ से माइनस साइन 2π/3 माइनस थ्री साइन 2π/3 क्या आ गई हूँ माइनस थ्री साइन 2π/3 अपॉन थ्री, इस थ्री से थ्री गया क्या आगे माइनस साइन 2π/3 मीन साइन 2π/3 और 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है प्लस के साइन 120 कॉस 30, कॉस 30 वैल्यू √3/3 चाहिए माइनस के √3/2 देन इट विल बी माइनस के √3/2। देखो भाई सवाल क्या है, देखो द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्किल, सर्किल एक सर्किल के अंदर यह है, सर्किल के अंदर यह है एक है अल्फा बीटा एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर ये जो एंगल बन गया है ट्रायंगल ये कितने बन गया है अल्फा बीटा गामा, देन द मिनिमम इज अर्थमेटिक मीन की मिनिमम, इसकी अर्थमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ए एम इज। अच्छा अब अगर मिनिमम वैल्यू भी है ए एम इज इक्वल टू देन जी एम, ये फॉर्मूला अपने सीरीज में पढ़ रखा है इलेवेंथ में पढ़ाई हुआ, यानी अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम, इफ अगर ए एम ये जी एम से बड़ा है और फॉर मिनिमम, ये मिनिमम के लिए क्या होगा ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ए एम इज इक्वल टू जी एम, ए एम इज इक्वल टू जी एम है, ए एम इज इक्वल टू इफ थ्री आर वी हैव थ्री नंबर देन थ्री ए एम इज देयर ए एम इज इक्वल टू जी एम देन देयर विल नंबर ऑलवेज बी इक्वल, तो ये नंबर जो है ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये कोस 90 प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन से माइनस साइन गया साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू, तीनों इक्वल हो गए यानी हैंस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, जब तीनों हो गए तीनों का सम कितना है 360 है, जो सेंटर पर तीन ही एंगल बन रहे हैं यहाँ यहाँ, तो तीनों का सम कितना जाएगा 360, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360, अल्फा की वैल्यू रख दूंगा यहाँ बीटा गामा एक्स में, तो 3 अल्फा इक्वल टू 60 अल्फा इक्वल टू 120 2π/3, तो अल्फा अब इसका अर्थमेटिक मीन किससे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन किसी के नंबर का सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और साथ में मैंने जो है इनकी वैल्यू भी अल्फा की वैल्यू 2π/3 भी रख दी, ये भी रख दी, तो क्या आ गया कॉस 5/2 प्लस 2π/3 माइनस साइन 2π/3 यहाँ से माइनस साइन 2π/3 यहाँ से माइनस साइन 2π/3 यहाँ से माइनस एक माइनस दो माइनस तीन यानी माइनस थ्री साइन 2π/3 अपॉन थ्री, थ्री थ्री जाएगा माइनस साइन 2π/3 साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आता है √3/2, तो क्या आ गया माइनस √3/2 ठीक है भैया आगे कोई प्रॉब्लम एनी डाउट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आईआईटी में आया हुआ है। देखो ये कोई दो सेट हैं, पी इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, और एक कैसा है क्यू इक्वल टू थीटा ये है। तो देन द जो सेट, ये दोनों सेट किस तरह के होंगे, ये दोनों सेट किस तरह के होंगे, इसका आंसर निकालना है क्या है। तो गिविन है पहले, जो पहले पी सेट है कि गिविन क्या गिविन है, साइन थीटा फॉर द पी सेट इन फॉर पी सेट फॉर पी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कोस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कोस थीटा प्लस कोस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू, दोनों मतलब कोस थीटा कॉमन ले लिया, ये आ गया कोस, इसके नीचे आ गया, ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू सिमिलरली ये क्या आ गया यहाँ से फॉर क्यू सेट क्या आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा दोनों एक कॉमन ले लिया वन में रूट टू इज इक्वल टू कॉस थीटा ये क्या आ गया साइन थीटा अपॉन
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस रूट टू साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा वन माइनस रूट टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन माइनस रूट टू क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस रूट टू। इनको नीचे दोनों से क्या कर लूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट टू प्लस वन से, तो क्या आएगा रूट टू प्लस वन की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया रूट टू क्या आ गया, इधर इसको इधर लेंगे तो इसको माइनस कोस से आएगा, क्या आ गया माइनस के कोस से, चाहे इसको ये कर लेता इधर आगे इसको इसको इधर ले जाता तो एक क्या आएगा माइनस आएगा यहाँ माइनस, तो क्या आएगा रूट टू प्लस वन रूट टू प्लस वन रूट टू का क्या वन का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या आ गया रूट टू प्लस वन अपॉन माइनस वन, एक माइनस यहाँ माइनस का माइनस तो रूट टू प्लस वन यार। अब क्या आ गया है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है पी की, जो पी सेट के लिए कितनी आ गई थी वैल्यू ये टेन थीटा की क्यू की भी आ गई है पी इक्वल टू क्यू, पी इक्वल टू क्यू देखो क्या था दो सेट से पी इक्वल टू थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा की रूट टू कोस थीटा, क्यू इक्वल टू थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा रूट टू कोस रूट टू साइन थीटा। अब फोर पी सेट के लिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा रूट टू कोस थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू रूट टू प्लस वन कोस थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया टेन थीटा इक्वल टू रूट टू प्लस वन। इसी तरह से ये क्या आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, तो क्या आ गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू साइन थीटा, तो साइन थीटा दोनों से कॉमन ले लिया। अच्छा ये अच्छा ये रहता इसको मैं इधर ले आता ये माइनस का झंझट ही खत्म हो जाता, माइनस जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये बात रखी है, तो इसे कर रूट टू माइनस आप जब करेंगे उसको उसको कर लिया कोस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कोस थीटा इक्वल टू क्या है रूट टू माइनस वन साइन थीटा, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो फिर ये आ गया इसके जो उल्टे से जो है ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आगे डिमल्टीप्लिकेशन कर दिया रूट टू प्लस वन हैंस पी एंड क्यू आर इक्वल, तो पी पी इक्वल टू क्यू हैंस पी इक्वल टू क्यू ठीक। जैसे कुछ रिजल्ट हैं उनको याद कर लेने हैं, कुछ रिजल्ट हैं जैसे ये तो बताया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी ठीक। इसी तरह से इस तरह के कुछ रिजल्ट हैं इनको याद कर लेने हैं, जैसे जैसे क्या है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, या इसको साइन स्क्वायर ए को क्या कर सकता हूं मैं, इसे कर सकता हूं इसे वन माइनस कोस स्क्वायर ए, इसे क्या कर सकता हूं माइनस वन प्लस कोस स्क्वायर बी, इसे वन से बन जाएगा क्या आगे कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी माइनस के
कौन स्क्वायर है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए। ए क्या होता है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, कोस ए सिमिलरली कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी एक याद कर लो, ये क्या कर लेना है, साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए साइन ए कोस बी कोस सी प्लस साइन बी कोस सी कोस ए प्लस साइन सी कोस ए कोस बी साइन कोस ए प्लस कोस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन सी। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन ए कोस बी कोस सी साइन ए कोस बी कोस सी प्लस साइन बी कोस सी साइन बी कोस ए कोस सी साइन सी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। इसी तरह कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी हो जाए ना, ये वाला जैसे इसमें है ये उल्टा, इस चीज में आ जाएगा यहाँ कॉस बन के कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी साइन ए साइन सी प्लस साइन ए साइन बी कोस बी सी प्लस कोस बी माइनस कोस बी साइन सी साइन ए माइनस साइन कोस सी साइन ए साइन इस तरह के ये आ जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये, कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है, इसे याद कर लेना, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी हम डायरेक्ट इनका ये प्रूव भी हो जाते हैं, अगर कहीं डायरेक्ट पड़ेगी इनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड्स मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल, क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इफ ए प्लस बी इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड और एन बिलोंग्स टू जेड, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई देन टेन ए प्लस बी टेन सी tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b and tan c, tan a plus b plus c equal to tan a plus tan b plus tan c,
सिमिलरली इफ ए प्लस बी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव देन क्या रहेगा टेन ए बाई टू टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन डी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू वन। ये भी एक फॉर्म ले लो टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू प्लस टेन ए बाई टू इज इक्वल टू वन। ये भी एक फॉर्मूला आएगा। इसके जो है इन्हें फॉर्मूले को याद कर लें, जहां भी इनकी जरूरत होगी हम इनको जो है यूज कर लेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन बेस इन पे कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट बेस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे कल, क्योंकि आज के लिए इतना ही। कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है कल पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।